नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21, 22 और 23 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर अश्विनी आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। अश्विनी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके अश्विनी को और भी बेहतर बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। चाहे दोस्तों, सबसे पहले 21 अप्रैल की बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पुष्य नाम का भी नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो स्थूल नाम के योग के बाद इस दिन गंडन योग रहने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12:25 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। वहीं दोस्तों 22 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों गुरुवार का दिन रहेगा, दशमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र दिन रहेगा और वृद्धि नामक शुभ योग दिन रहने वाले हैं, यानी वृद्धि के दिन इस दिन होने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 3:36 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा, एकादशी तिथि और मघा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा और ध्रुव नाम का योग भी इस दिन रहने वाले हैं और आखिरी दिन में बहुत ही अच्छे योग हैं। इस दिन राहु काल का समय सुबह के 10:49 से लेकर दोपहर के 12:25 रहेगा, चंद्रमा सिंह पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तीनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या बदलाव करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और शरीर को समझने और स्वयं को खोजने का समय होगा। अपनी अलग पहचाने बनाने के बारे में आप सोचें। दोस्तों, आपके लिए अभी पहले स्थान पर है धन संबंधी मामले और अपने रिश्ते। दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य, शायद माँ की तरह की कोई स्त्री आपकी जो है इसमें सहायता कर सकती है। मरम्मत या फिर सुधार अभी यह समय जो है जरूरत होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की अगर बात करें तो दोस्तों अभी जुए से आप बचें, क्योंकि ये जो आपके लिए समय होंगे अनावश्यक धन की हानि के कारण बन सकता है। दोस्तों, यह समय उस रिश्ते से छुटकारा पाने का भी समय होगा जो काम नहीं कर रहा है। अपने हौसले पर यश में आप विश्वास करें और आपका जो अनुभव है यश में आपको सही मार्ग दिखाएगा। दोस्तों, इन दिनों में कार्यस्थल पर मतभेद तनाव का जो है कारण बनेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए कुल मिलाकर जो समय होंगे, अपने आसपास से ऐसे लोगों को दूर करने का प्रयास करें जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। दोस्तों, ये जो आपको जो लोग निराश करते हैं उनसे आप यश में दूरी बनाकर रखें। वही दोस्तों, यश में आपके ऊपर काम करने का दबाव अधिक हो सकता है, इस कारण आप कई मामलों में विरोधाभासी विचारों से घिर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी मामलों में अति उत्साह या फिर अति आत्मविश्वास आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है, इससे आपको जो है यश में बचना होगा। आपको कुछ अनैतिक कामों के प्रस्ताव भी इन दिनों में मिल सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके करियर के मामले में कुछ नई संभावनाएं नजर आ रही है और आपको उत्साहित से यश में बचना होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है दोस्तों यश में आपको पूरी तरह उस पर विचार करना चाहिए। वही दोस्तों, इन दिनों में आप में से कुछ के लिए धन की जरूरत उनका समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है। वही दोस्तों, किसी की मदद लेते हुए सावधानी बरतें। अस्तित्व के नए जो प्रयोजन हैं और आयाम हैं आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके लव लाइफ के लिए अपने समवन स्पेशल के साथ जो है अच्छे से आप बातचीत करें, ताकि आप दोनों के दिल जो है दिल की बातों को आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ अपने अंदर की बातों को बता सकें। दोस्तों, अपनी लापरवाही के कारण लोगों को जो है आप नज़रअंदाज न करें। यह समय आपके लिए जो समय होंगे रिश्तों में थोड़ा जो है निष्ठावान बनने का
यह समय समय होगा या समय की जो है आवश्यकता होगी। कुछ चीज़ें आपको यह समय जो है भटका सकती है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपकी सेहत के लिए, सेहत ठीक रहेगी लेकिन आपको कुछ नकारात्मक सोच थोड़ा जो है शिथिल और चिड़चिड़ा बना सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको सेहत को लेकर जो है मानसिक तनाव रह सकता है इस चिड़चिड़ाहट की वजह से, लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ध्यान क्रिया करने से आपका यह मानसिक तनाव जल्दी ही दूर हो जाएगा। वही दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आप यात्रा पर्यटन पर जाएंगे अथवा उस संबंधों में तैयारी करेंगे। दोपहर तक इन दिनों के दोपहर तक आपका जो मन है काम में नहीं लगेगा, परंतु उसके बाद का जो आपका समय होगा अपना ध्यान आप जो है काम पर केंद्रित करेंगे। आप अपने सभी कार्य को पूरे करने का प्रयत्न करेंगे और पूरा भी करेंगे, इसलिए दोस्तों यात्रा की योजना इन दिनों में अमल में लाना सफल बनेगा। दोस्तों यशमी गणेश जी की शुभकामनाएं जो है आपके साथ है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो यशमी इन दिनों के दिन भर आप जो है भावुक रहेंगे। खुद को नियमित कार्यों में जो है आप तल्लीन करके आप कुछ मामलों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन गणेश जी का सुझाव है कि ये जो आपके लिए समय होंगे सभी तनाव को एक तरफ रखें, खुद को स्थिर रखें और बस काम पर अपना जो है अधिकतम ध्यान दें, यह निश्चित रूप से आपको अच्छा प्रतिफल देगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके पारिवारिक जीवन के लिए आप घरेलू मुद्दों पर अधिक भावुक रहेंगे। लवर्स जो है उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथी यह समय समझदार और सहयोगी होंगे। आप अपने प्रेमी के साथ जो है सोफे पर बैठकर और कुछ प्यार के पलों को साझा करके इस दिन को जो है आप आनंद लेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यह समय गणेश जी आपको इन दिनों के पहले भाग के दौरान जो है भाग्य पर अधिक भरोसा करते हुए पाते हैं, जिससे आप आलसी हो सकते हैं। हालांकि इन दिनों के उत्तरार्ध में आपको जो है कुछ वित्तीय या फिर काम से संलंबित लक्ष्य दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में काम के प्रति केंद्रित आप रहेंगे और अपनी ऊर्जा के स्तर को भी किसी भी समय कम नहीं होने देंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे क्रिएटिव काम करने के लिए जो है एक अच्छा दिन होगा। इन दिनों में से सभी दिनों में से ये जो आपके लिए दिन होंगे सबसे अच्छा दिन होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में भाग्य पर निर्भर आप न रहें, अपनी सेहत को सुधारने की आप कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों किस्मत ही खुद बहुत आलसी होती है। ये जो समय होंगे आपके लिए किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म कर आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से इन दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों यश में थोड़े बहुत टकराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दिन होंगे आपके लिए प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप जो है अपने संगी को खुश करने में इन दिनों में कामयाब रहेंगे। कुछ लोगों को विदेश से कोई खास खबर या फिर व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकता है। आप जो है खुद को समय देना जानते हैं, इसलिए दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे खाली समय आपको मिल सकता है। खाली समय में आप जो है कोई खेल खेल सकते हैं या फिर दोस्तों जिम भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में जीवनसाथी के साथ ये जो आपके लिए दिन होंगे अन्य दिनों की अपेक्षा जो है बेहतर गुजरेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपनी अच्छी सेहत के लिए पेड़ पौधे की कोपलें अंकुर न तोड़ें, क्योंकि गुरु ग्रह जो है ब्रह्मा का रूप है, इसलिए दोस्तों इन दिनों में आप यह कार्य बिल्कुल ना करें। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों आप इन टोटके को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए अपना सकते हैं। दोस्तों बृहस्पतिवार या फिर मंगलवार को 7 गांठ हल्दी, थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीपल का एक टुकड़ा, इन सबको मिलाकर पोटली में बांध दें तथा ससुराल की दिशा में फेंक दें तो वहाँ हर प्रकार की जो है शांति व सुख रहता है। दोस्तों कन्या अपनी ससुराल में रहते हुए यह करें, मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में वधु का घर हो उसी दिशा में फेंकने से जो है वर वधु में प्रेम बढ़ता है। वहीं दोस्तों उसके उपरांत विशेष कार्य के लिए घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें तथा कार्य बोलकर चले जाएं तो आपका कार्य जो है निश्चित ही बन जाता है। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।